शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पकड़ लिया, अब मेरा फिर से प्रमोशन हो जाएगा। और मेरा डबल प्रमोशन हो जाएगा। वो कैसे? अरे तूने तो असिस्टेंट को पकड़ा है, मैंने बॉस को पकड़ा है। बॉस को? चलो हटो, इसे मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं क्यों दूं, मैंने पकड़ा है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, जौनपुर का भैया। और कौन? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर। मुझे धोखा देकर बॉस बनाया है। धोखा? हाँ, अरे इसने मुझे धोखा दिया और प्रमोशन ले लिया। पता है, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को धोखा दे, ये बात तो अपने समझ के बाहर है बाप। सुना? दे तो तक और दूध का पैतला अभी हो जाएगा। पहले तुम्हें ताम तो लो, राजा को तोल दो, तोल दो। राजा को छोड़ दो। हाँ, अब बताओ अगली बात क्या है? पैतला राजा बाबू करेंगे, पैतला 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 राजा बाबू करेंगे। अच्छा ठीक बोला। देखो हुआ ये कि एक बार एक खतरनाक मुजरिम चाल शुभराज को 5 किलोमीटर पैदल चल के मैंने पकड़ा। पीछे से ये आ गया, कहने लगा चल चल के तू थक गया होगा, ये ले थम्स अप पी ले, तब तक मैं इसे पकड़ता हूँ। इतने में कमिश्नर साहब आ गए, उन्होंने पूछा कि इसे किसने पकड़ा था, इसने झूठ मूठ कह दिया इसने पकड़ा है। तो क्या मैंने गलत कहा था? उस वक्त मैंने तो उसे पकड़ा था, कमिश्नर ने कहा तो मैंने हाँ कर दी। अरे लेकिन पकड़ा तो मैंने था ना। अरे हवाले तो मैंने किया था यार। अरे तू तो एक नंबर का धोखेबाज है यार। तुम मुझसे जबान मत लड़ाओ, मैं कमिश्नर से शिकायत करूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मेरी नौकरी को जब जाना है तब जाएगी, लेकिन तेरी नौकरी तो गई। कैसे? वो देख तेरी ड्यूटी जीप के साथ तेरी नौकरी भी जा रही है। जल्दी से पकड़ लेना प्लीज। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये मेरा ऑर्डर है, कैच देम। कैच नहीं, चेस चेस। चलो इधर। वो देख मेरी वफादार जीप को कैसी मुझे अकेले ढूंढती हुई आ रही है। आजा, 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 ये जीप को रोको। वो तुझे ढूंढती हुई नहीं आ रही है, लुढ़कती हुई आ रही है। जल्दी समझ। अरे अंदर जा। अरे गिर। वो दोनों चोर कहाँ जो मेरी जीप लेकर भागे थे? वो दोनों चोर थे? नहीं नहीं, कार थे। कहाँ है वो? वो तो मेरा भी बैग चुरा कर ले गए। चुरा? अच्छा, कितना माल था बैग यार? थी कितना माल था बैग में? बता सकता है? Excuse me, folks. Come on. Come on, go fast. Excuse me for the delay. और अमर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे भाई, जब तक कुछ किस्म के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, हम जैसे सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस तो जोर शोर से चलती रहेगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, यस डार्लिंग, बोलो। नहीं नहीं, आज मैं जरा देर से आऊंगा। क्यों? अरे ओवर टाइम जो कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास, तो कभी कभी तो दो दो पेशेंट से निपटना पड़ता है मुझे, तुम जानती हो ना। हाँ हाँ, तुम खाना खा लेना। नहीं नहीं, मैं खाना खा के आऊँगा, नहीं कुछ नहीं। ओके बाय डार्लिंग, लव यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप पुराना मर्द आपसे एक बात पूछो। हाँ पूछो, क्या बात है? आपने कहा कि आप घर देर से आएंगे। हाँ? और वो बिना कुछ कहे मान गई। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुनो, बीवियों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो सर का दर्द बन जाती। उन्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि घर में पतलून वो नहीं, हम पहनते, समझे? गुड मॉर्निंग बिंदिया जी। ठीक है ठीक है, चाय रखो और कपड़े धोने जाओ। जो हुकुम बिंदिया जी। अरे कहाँ खो गए भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनको हमेशा बताते रहना चाहिए कि घर में पतलून हम ही पहनते हैं। ओके 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 गर्ल्स, आप लोग गाड़ी में लिए वेट करो, मैं भी आया। एंड डोंट बी नॉटी नॉटी विदाउट मी। ओके ओके। यू नो अमर, जब से ये दो लड़कियों को मैंने नर्स की नौकरी दी है, मरीजों की भीड़ लगी हुई है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक बेचारा मरीज थके सिपाही की तरह अटेंशन चिल्लाने पर भी विश्राम में रहता था, लेकिन इन दोनों को देख के विश्राम से सावधान और सावधान से सैल्यूट, समझे? अमर, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने डिस्पेंसर के लिए एक नस रख लो। वो क्या है ना कि लड़कियों के साथ मैं बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ, लड़कों के साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। नहीं नहीं, मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातों में तो बिल्कुल प्रेम बुझा रही हूँ। ओह भाई, 1 मिनट के लिए मैं समझा कि तुम प्रेम पुजारी नहीं, किसी प्रेम के पुजारी, यू नो। सी यू, बाय। जूस जूस। 1 2 भाई साहब, वो आपका सामान है? ये बैग भी आपका है? 3 और 4, ये चारों बैग आपके हैं जी? अच्छा, इसमें वो वाला बैग कौन सा है? मतलब वो वाला बैग जिसमें पैसे, जेवर, दूसरे इम्पोर्टेंट पेपर्स वगैरह होते हैं, वो बैग? क्या है, आजकल जमाना बहुत खराब है ना, यहाँ आपका ध्यान गया, हमारा सामान गया।
और फिर चोरी चकारी तो होती रहती है आजकल, खासकर ट्रेन में। समझ में ही नहीं आता मुसाफिर कौन है और चोर कौन है। तुम सो जाओ, मैं जागता हूँ ना। नींद नहीं आ रही। अरे भाई साहब, ये रात को 3 से 5 का जो वक्त होता है ना, वो बिल्कुल कुंभकर्ण का टाइम होता है। आदमी कितना भी पहलवान क्यों ना हो, एक बार तो उसकी गर्दन ढली जाती है। अब देखना है आपकी गर्दन कब ढलती है। सो जाइए। कहा ना आपसे नींद नहीं आ रही मुझे। ठीक है भाई, क्या है अपन नींद के बहुत कच्चे हैं, अपन सो जाते हैं। जी दादी, खैरियत से पहुंच गया हूँ। जी जी दादी, ओके दादी जी। थैंक यू भाई साहब। किस लिए? मेरे सामान की रखवाली करने के लिए। बताता हूँ क्या है साहब, मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं रात को जाग नहीं सकता और ट्रेन में मैं सो नहीं सकता ना। ये सामान वामान चोरी होने का खतरा होता है ना, इसलिए मैंने ये हरकत की ताकि मैं आराम से सोऊं, आप मेरे सामान की रखवाली करें, है ना आइडिया? एक बात बोलो, आप बहुत मस्त आदमी है, मैं तो सोचता हूँ लौटते टाइम भी आप ही के साथ सफर करूँ। ये मेरा कार्ड है, इस पर फोन कर देना, मैं आपको ढूंढ लूंगा स्टेशन पे। बाय बाय। आज फिर हाथ से निकल गया यार। तूने मेरी बात मानी होती आज ऐसा नहीं होता, पता है? अरे तेरी बात मानी होती, पहले तो मुझे तभी से बात किया कर। अगर आज तूने मेरा थोड़ा सा भी ऑपरेशन किया होता, अरे कॉपरेशन किया होता तो मेरा प्रमोशन हो गया होता ना। प्रमोशन? मुंह देखा है इनमें। मैं मारू? हाथ तो लगा मच्छर। लाला बाबू तुम कहाँ हो? मेरा लाला बाबू तो हो गया, मेरा लाला बाबू तो हो गया। ये पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन है। नहीं नहीं, ये रेलवे स्टेशन है। हाँ, ये राजधानी एक्सप्रेस है और मैं कालका मेल हूँ। आओ चढ़ जाओ। मैं चलने नहीं आया हूँ, मेरा लाला बाबू तो हो गए, मेरा लाला बाबू तो हो गए। अरे राजा बाबू सो गए तो हम क्या करें भाई? तो हो गया, तो हो गया। अच्छा खो गए? ये रंगीला है राजा का चमचा। रंगीला है? नंदू, सबका बंदू। हाँ ये नंदू है, करके दिखाओ कैसे। मेरा दिल ना सुनो। हाँ राजा बाबू का नंदू। हाँ मैंने 8 बार देखी है, नंदू ही है राजा बाबू तो। अरे रो मत रो मत, मैं तेरी रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ, तू बैठ जा बच्चे, बैठ जा बैठ जा। क्या राजा बाबू? ठीक है विद्यार्थी, तू यहाँ बैठकर इसे कंपनी दे, मैं उसे ढूंढ लाता हूँ। तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। तुम उन्हें पकड़ के मेरा प्रमोशन छीनना चाहते हो? नो नो, नॉट हैपनिंग, यू आर नॉट गोइंग, आई एम गोइंग। अरे बक नो। अच्छा ठीक है तू जा। आज अचानक मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? जरूर कोई गड़बड़ है, मगर मैं भी तेरा बाबू है। दे 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 दे। पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया। अब मेरा प्रमोशन। हाँ इन्हें छोड़ दो, ये दोनों मेरे हैं, हाथ में बंदूक है, तुम्हारी पीठ है, 6 गोलियां इसमें। मेरे हाथ में भी बंदूक है। कौन है? पुलिस कमिश्नर। गुड नाइट सर। क्या कमिश्नर ब्रो? गुड डे। बंदू, सबका बंदू। अरे इन्हें पकड़ो। मैं क्यों पकड़ू? तू पकड़ जाके पकड़ो। मैं नहीं पकड़। तुम्हारे हाथ के हाथ जोड़ लो। तू पकड़, पकड़ लो प्लीज। ये रानी कौन है सर? हैं तुम डे और नाइट दोनों ड्यूटी कर रहे हो? नहीं सर, मैं डे टाइम में आपको रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि मेरी बैड नाइट को गुड नाइट में बदल दीजिए सर, मेहरबानी कीजिए मुझ पर। क्यों? क्योंकि नाइट ड्यूटी के बाद जब मैं घर पहुंचकर खिड़की दरवाजे पर्दे लगाकर सोना चाहता हूं तो मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं कि देखो देखो मैटिनी शो शुरू होने वाला है, और मेरी पत्नी जो है ना वो सारा गुस्सा उन बच्चों पे निकालती है ये कहकर कि आजकल यहाँ कोई शो ही नहीं हो रहा है। जरा सोचिए सर, मेरी इज्जत का क्या होगा। ठीक है, सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना। अच्छा कितना टाइम सर? यही 1.5-2 महीने। क्या? नहीं नहीं, तो फिर मेरी ड्यूटी कब चेंज होगी सर? उसके 3 महीने बाद। ओके सर, ओके सर, ओके। सर ये रानी कौन है सर? तो गोल हो गया यार। अरे मैं तो इधर हूँ, तू बता तू कैसा है यार? अरे यार तू बता तू कैसा है? अरे यार तुझसे मिले इतना आज। गोड़ कहीं के? रास्ते के बीच में चिपका चिपकी कर रहे हैं। मैं भी आया। अरे तुम लोग सड़क के बीच में, ये अमर तुम? अरे डॉक्टर साहब आइए, मैं आपको अपनी जान से मिलाता हूँ, ये मेरा प्रेम।
प्रेम? आई एम प्रेम डॉक्टर। ऐसी बातों में तुम बिल्कुल प्रेम बुझा रही हूँ। रास्ते के बीच में प्रेम, व्हाट अ शेम। इसमें शर्म की क्या बात है डॉक्टर साहब, मेरी और प्रेम की यारी तो कॉलेज के जमाने से है। यानी तुम्हारा प्यार इतना पुराना है? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, why don't you join us? क्या बकते हो? Yeah, dog, we'll have fun. अरे हट हट हट, good boy, क्या कर रहे हो तुम लोग? Doctor, no, hey, hey, doctor साहब, बैठिए तो, hey, doctor, let me go, नहीं, तूने कुछ कहा? तूने कुछ कहा? नहीं तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। तू मेरे लिए बाहर से पान लेकर आ। अरे मगर अच्छा ठीक है, मैं बाहर से पान लेकर आता हूँ, तू ऊपर बैठ के चाय पीना। ऊपर ही जा रहा हूँ। ओके बाय। सबसे बड़ा गुंडा तो तू है, और तेरे को भी पकड़ के तो मेरी प्रमोशन होने वाली है। ये ले। मार मार मार। क्यों? ओह माय गॉड, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को कैसे मार दिया, अब तो पुलिस केस बन जाएगा। होगा नहीं नहीं, इस तरफ गया होगा। अच्छा तू ढूंढ, मैं घर जाता हूँ। नहीं नहीं, तू ढूंढ, मैं घर जाता हूँ। यस सर। तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हें जानते हो? हाँ सर, मेरी धर्मपत्नी है। तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है क्या? है ना, दो हैं, है ना? लेकिन दोनों लड़के हैं, और आप तो जानते हैं कि लड़के कैसे होते हैं। मुझे एक बेटी चाहिए। तुम मुझसे क्यों मांग रही हो? इनसे मांगो। सुनिए, अरे सुनिए ना। क्या? इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे एक बेटी देंगे, इसलिए जब भी ड्यूटी से घर आते थे तो मेरे लिए कचरी और जलेबियां लाया करते थे, और फिर बड़े प्यार से घर की खिड़की और दरवाजे भी बंद किया करते थे। लेकिन जब से आपने इनकी नाइट ड्यूटी लगाई है ना, घर की खिड़की और दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद होते हैं कि ये आराम से सो सके। मैंने माना कि इनसे गलती हुई है, लेकिन गलती तो गलती से होती है ना सर, आपसे भी कभी ना कभी गलती से गलती हुई होगी। हाँ, you're right, और मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, और मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। एक सेकंड, रॉकी। रॉकी? यस सर। कल से रोज तुम इनके घर जलेबी और गजरे ले जाया करोगे, समझे? यस सर। ये क्या? उठी। ये डर रहा है या डरा रहा है? तू तो क्या डरा हुआ, तू तो पहले से ही डरा हुआ है। खराब, पहले ये बताओ कि तेरा बॉस राजा कहाँ है? तुझे दूसरा जन्म भी लेना पड़ा ना, फिर भी इसे उगलवा नहीं पाएगा। हाँ, तय बोला है, बिल्कुल। तू तो दादा तमला को तेला ये तमता है तमता। चमचा, गुड। फिल्मों में मैंने देखा है कि फ्रैक्चर के टॉर्चर के वक्त ये लाइट ऑन होती है, और जैसे ही लाइट ऑन होती है मुजरिम सब कुछ कबूल कर लेता है। लाइट्स, लाइट नहीं, मेरे पास कुछ कबूल करने का नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, बता राजा कहाँ है? ये तो डर ही नहीं रहा है। लाइट हिलाओ। तू हिला। मैं हिलाऊंगा तो उसे मारेगा कौन? ये तुझे मारेगा, तू लाइट हिला। उससे तो बाद में निपट लूंगा। ये क्या था? स्पेशल इफेक्ट। तो बताया क्यों नहीं? अरे बताता तो लगता कैसे? बेवकूफ था। क्या? बेवकूफ था। बेवकूफ था तू। बीवी बार बार फोन क्यों करती हो? पाउडर, लिपस्टिक, काजल, क्रीम सब ले आऊंगा। ये पुलिस स्टेशन है या कॉस्मेटिक की दुकान? ए, कौन है तू? कमिश्नर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? सर, आप सर, I'm sorry सर, मैंने पहचाना नहीं सर। No problem my boy, no problem। तुमने राजा के असिस्टेंट को पकड़ के बहुत बड़ा काम किया है। Thank you सर। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। Thank you सर। और हम भी तुमसे बहुत खुश हैं। Thank you सर। अब फौरन रंगीला को छोड़ दो। रंगीला को छोड़ दो? क्यों सर? तुम जैसा काबिल इंस्पेक्टर ऐसा सवाल करे कुछ अजीब सा लगता है। तुम रंगीला को छोड़ोगे वो सीधे अपने गुरु के पास जाएगा, तुम उसका पीछा करोगे।
और इसी तरह तुम राजा को भी गिरफ्तार कर लोगे और फिर तुम डीएसपी से फौरन एसपी बना दी जाओगे। वाह सर वाह, क्या आइडिया है। बस सर अभी तो मैं डीएसपी बना दिया गया हूँ ना, क्या अब मैं किसी कांस्टेबल को सस्पेंड कर सकता हूँ सर? हाँ बापू, अब तेरे में पावर ही पावर है। अब चल रंगीलों को छोड़। यस सर, मैं रंगीलों को फौरन छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। गुरु क्या है, रंगीला को तोड़ दो। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और राजा को पकड़ लूंगा। तोत लो। तोत लिया। ठीक है। ओके, कहता है तोत लो। ये क्या बेवकूफी की? शराब, कमिश्नर साहब का फोन था, मेरी तरक्की हो गई, उसे छोड़ने को कहा है। कमिश्नर साहब? अरे वो तो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली बैठे हुए। तो फोन किसका था? वो फोन राजा का था, बाहर से कर रहा था। उसे पकड़ लो। मैं नहीं पकड़ता, तू पकड़। उसे पकड़ लो। तू पकड़। वो बहुत दूर चला जाएगा, पकड़ लो। अरे जीजा जी, ये आपके सारे बदन पे मरहम पट्टी कैसे? सनी बेटा, ये हमारे साले साहब हैं। अबे हरामखोर, इतनी मुद्दत के बाद शक्ल दिखा रहे हो। भैया मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? एक ही शहर में रहते हो और महीनों तक अपनी बहन से मिलने नहीं आते हो। अरे बहना, एक ही घर में रह के बीवी से नहीं मिल पाता, तुम शहर को लेके बैठी हो। क्या मतलब? अरे कमीना मैनेजर आया, मुझे 2 महीने से नाइट ड्यूटी पे लगा रखा है। दिन में सोते हैं, रात में उल्लू की तरह जागते हैं। पेट में गैस हो गई है, एसिडिटी हो गई है, देखिए आंखों के नीचे काले गड्ढे भी पड़ गए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कमीना मैनेजर है कौन? वो भी ठीक है, आप हैं कौन? मामा जी, ये सनी है, सामने वाले घर में रहते। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सनी साहब। अरे वो भरत मिलाप तो होता रहेगा, लेकिन आप किसी मैनेजर के बारे में कुछ कह रहे थे। अजी छोड़िए ना, नाम भी याद मत दिलाइए उस कमीने का मुझे। इधर देखिए ना, किया क्या उसने? मेरा जीना हराम कर रखा उसने। नाम क्या उसका? अबे शनी, जब सुनो सुनो। समीर। अंकल जी, अपना समीर, आपका पड़ोसी, साथ में रहता है, रूम पार्टनर है। क्या समीर सामने रहता है? हाँ। समीर फकीर सामने रहता है? फकीर नहीं, समीर, जिसने आपको टूंडा किया है, अब इनके पीछे पड़ गया वो। देखो ना। बोलो। ओह, वो कमीना तो मेरे सारे खानदान के पीछे पड़ा हुआ है। समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है समीर, फूलों को भूलो, कर्नल को छोड़ो, मामा को पटाओ। मामा जी, मामा जी, मामा जी, ओ मामा जी। वक्त बदल गया है मेरा, अब मजा देखना। मामा जी, मामी, मैं आपके लिए कुछ प्रेजेंट्स और तोहफे लाया। अच्छा अच्छा। ये आपके लिए घाघरा चोली। थैंक यू। मामा जी, आपके लिए बुशर्ट रेड इन कलर, और बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ, और आप दोनों के लिए कुछ फल लाया हूँ। ये फल देकर आप हमसे किसी फल की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं 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 जी, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मामा जी, अगर बाय चांस मैंने आपसे कुछ गलत बोला हो तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने आप पे बड़ी नाइंसाफी की है, और आज से आपकी नाइट ड्यूटी खत्म। क्या कहा जी? तो फिर आज रात? जी आज रात को। दामाद जी? दामाद जी? हाँ दामाद जी, उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था कि ये रानी कौन है, तब आपने बता दिया होता तो अब तक तो आपके साथ फेरे हो चुके होते और मैं आपका मामा ससुर बन चुका होता। मामा जी, गलती तो गलती से होती है ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे भी गलती हुई होगी ना। मामी, मैंने कुछ गलत बोला? कमिश्नर साहब यहाँ क्यों आए? मुझे अरेस्ट करने, मैंने राजा को जो पकड़ा है, मुझे प्रमोशन देने, मैंने राजा को अरेस्ट जो किया है। टेंशन है। मिस्टर प्रेम को किसने अरेस्ट किया? सर ये प्रेम नहीं है, राजा है, धारावी का सबसे मशहूर गुंडा राजा सर। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे कैद किया सर, अब आप मुझे फौरन प्रमोशन देकर एसपी बना दीजिए सर। मैं तुम्हें डिमोशन देने के लिए ही आया हूँ। आपकी अंग्रेजी में गड़बड़ हो गई सर, डिमोशन नहीं होता सर, प्रमोशन होता है। शट अप, हवलदार छोड़ देने। अरे रुकिए सर, ये प्रेम नहीं, राजा है, राजा। सर ये राजा नहीं है, ये मशहूर सिंगर प्रेम मल्होत्रा है, इतने मशहूर आदमी को इसने जेल में डालने की जरूरत की। सोचा सर ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो ये झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स सर, इसीलिए मैं इसे प्रमोशन और तुम्हें डिमोशन देने आया हूं। नहीं सर, क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू सर, मैं अभी खोल कर लाता हूं प्रेम कुमार जी को। सर आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर, ऐसा मत करना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? यस कम इन। हवलदार विद्यार्थी रिपोर्टिंग सर। इससे पहले कहाँ थे? शैतान चौकी में सर। और तुम्हारा रिकॉर्ड इतना बुरा था कि तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार बना दिया गया, क्यों? रिकॉर्ड मेरा हमेशा अच्छा रहा है सर, लेकिन ये सब उस कमीने हवलदार की साजिश है सर, जिसने मेरे उजले करियर को दाग दाग बना दिया। लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं सर,
वर्दी मेरे जिस्म पर, इंस्पेक्टर की ना सही हवलदार की से, लेकिन उस कमीने का तो मैं वो हाल करूंगा कि वो हवलदार बनने के लायक भी नहीं। तू तमीज से बात करो। लेकिन आप तो हमेशा मुझे तू कहकर बुलाते थे। वो तो इसलिए क्योंकि तू आप कहलाने के लायक नहीं था। बहुत रोब जमाया मुझ पे क्यों? अब हर बेइज्जती का मैं गिन गिन के बदला लूंगा, समझा? आज से तू सरकारी नहीं, मेरा पर्सनल नौकर बनकर रहेगा। रोज सुबह मेरे घर दूध लाएगा, फिर बच्चों को स्कूल ले जाएगा, दोपहर को मेरे लिए लंच लाएगा, शाम को मेम साहब को खाना बनाने में भी मदद करेगा और घर के सारे कपड़े भी धोएगा, बच्चों को स्कूल से घर पहुंचाएगा। अब हमारा जेल का मुआयना करने का वक्त है, जाओ हमारे लिए लंच ले आओ। नहीं, ओके, ओके, ओके। जाओ जाओ चलो।